इसमें, यानी कि इसमें मैं 12, 10 ऑल द पॉइंट्स आर कंट्री सेट एंड लॉक वेयर एवर रिक्वायर्ड एज डिटेल्ड बिलो। अब इसका मतलब मैंने बोला कि पॉइंट्स करेक्टली सेट एंड लॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको यार्ड बता रहा था, तो इसका मतलब ऐसा था कि जितना यार्ड है सारे पॉइंट को लॉक कर देंगे। इसका मतलब अगर हम मैं होम सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं होम सिग्नल की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट्स इन द रूट, इन द आइसोलेशन एंड इन द ओवरलैप। होम सिग्नल में यानी कि रिसेप्शन सिग्नल में रूट, आइसोलेशन और ओवरलैप। मैं डिटेल में बात करूंगा आइसोलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक यार्ड है, मैं ये ड्रॉ किया ऐसे, तो सर ये स्क्रीन मेजर। विजिबल नहीं है सर, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। ओ सॉरी, तो हाँ, अभी है यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द अपडेट। तो मैंने बताया कि होम सिग्नल, देखिए कितने मैंने अभी तक जितने आपके बात किए हैं। अब जैसे मैं होम सिग्नल की बात कर, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, सर्न सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल। अभी तक मैं शायद सर्न सिग्नल की बात कर चुका हूँ, दो बार सर्न क्लियर करके आपको दिखाया, स्टार्टर सिग्नल भी बता चुका हूँ और होम सिग्नल भी बताया हूँ। अभी आप देखेंगे स्टार्टर सिग्नल्स इन द पॉइंट्स इन द रूट एंड आइसोलेशन। बड़े बड़े यार्डों में स्टार्टर सिग्नल में ओवरलैप होते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए करते हैं, करेक्ट? नहीं सर, प्रदीप क्यों नहीं हो पाता? ठीक है, तो स्टार्टर सिग्नल में ओवरलैप नॉर्मली नहीं होते हैं, यानी कि हमारा SCM नहीं बोलता है कि आइसोले स्टार्टर में ओवरलैप होना चाहिए, बट हम इंटरलॉकिंग पर्पज से मेजर यार्ड में वी डू टेक केयर ऑफ द ओवरलैप ऑल्सो। तो होम सिग्नल में तो पक्का है कि ओवरलैप होता है। ओवरलैप क्या होता है, मैंने बताया कि जहां तक डेस्टिनेशन है, जैसे ये यार्ड है, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक होम सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पे एक रूट है। ये सिग्नल यहां से लेके आपका यहां तक आ रहा है, ठीक है, और यहां पे भी एक सिग्नल है मान लीजिए, ठीक है। तो इस सिग्नल तक इसे क्या चाहिए, इस सिग्नल के आगे जो 120 मीटर है वो ओवरलैप कहलाता है, ठीक है। और इस सिग्नल तक जो चीज होता है उसको यहां से यहां तक के लिए चीज को रूट बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया रूट पोर्शन, यानी कि यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज द रूट पोर्शन। ऐसे जाके ऐसे जाएगा तो, और आइसोलेशन में क्या है, अगर मैं आइसोलेशन की बात करूं तो ये देखिए, ये इधर बना दिया, एक लाइन और कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट को मुझे नॉर्मल में रखना है, यानी कि ताकि कोई गाड़ी इधर से उधर ना जाए, तो दैट इज नोन एज द आइसोलेशन। या फिर ये गाड़ी अगर ट्रेन का मूवमेंट सीधा ऐसे हो रहा है, इट इज गोइंग अहेड लाइक दिस, सीधा जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर ये ट्रेन के रन थ्रू मूवमेंट है, यानी कि यहां पे भी कोई स्टार्टर होगा, करेक्ट, यहां पे भी कोई स्टार्टर होगा, तो यहां से जो मूवमेंट जब होंगे तो ये बाजू वाली लाइन से और इससे आइसोलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब इधर की कोई भी ट्रेन इसमें जाके डैश नहीं कर रहे, और इधर यहाँ जो कोई गाड़ी खड़ी है इसमें नहीं हो जाए, दैट इज नोन एज आइसोलेशन, मतलब आइसोलेट होना चाहिए। यानी कि होम सिग्नल में रूट भी होते हैं, रूट मैंने बता दिया क्या होता है। आइसोलेशन में क्या हुआ, जैसे ये मैंने बताया कि ये जो लूप लाइन कनेक्टेड था, इसमें अगर ये पॉइंट को नॉर्मल कर देंगे तो ये लाइन आइसोलेट हो जाएगा, या मेन लाइन से गाड़ी जा रही है तो ये दोनों लाइनों से आइसोलेट हो गया, इस लाइन से और इस लाइन से, ये दोनों लाइनों से आइसोलेट हो गया। तो ये होते हैं आइसोलेशन और इन द ओवरलैप। ओवरलैप भी हो गया, आइसोलेशन भी हो गया, रूट भी कवर कर लिया। अब है स्टार्टर सिग्नल्स। स्टार्टर में क्या है,
स्टार्टर्स में सिर्फ रूट होते हैं और आइसोलेशन, दो ही चीज का कवर करना। ओवरलैप हम मेन सिग्नल में लेंगे रिसेप्शन सिग्नल में, दैट मींस कि जब आई आर एस ई एम का भी पढ़ेंगे पैरा और फिर या जी आर का पैरा 3.40, जी आर पैरा 3.40 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाट आर द कंडीशंस टू टेक ऑफ रिसेप्शन सिग्नल और होम सिग्नल। वहीं से डिराइव होते हैं सारा रूल्स कि भाई मुझे कैसे इंटरलॉकिंग को इंश्योर करना है। सन सिग्नल की जैसे मैं बात कर रहा था, सन सिग्नल्स में रूट की होती है, आइसोलेशन नॉट कंपलसरी। कॉलिंग ऑन सिग्नल में रूट और आइसोलेशन, कॉलिंग ऑन में भी ओवरलैप नहीं होता है, यानी कि दो सिग्नल पे ओवरलैप नहीं है। किसमें नहीं है? तीन में नहीं है, कॉलिंग ऑन में भी नहीं है, सन में भी नहीं है और स्टार्टर में भी नहीं है। अब मैं आपको वापस वहीं ले चलता हूँ कि जो आपको बता दूं कि अब जैसे देखिए ये एक स्टार्टर सिग्नल है S34, ये है ना लाइन नंबर 02, दिख रहा है ना जी, लाइन नंबर 02 इसका स्टार्टर S34। और यहाँ पे देखिए अगर कर्सर दिख रहा है तो कर्सर को मुझे साइज बिगर कर देना चाहिए, अभी ये देखिए मैंने कर्सर का कलर चेंज कर दिया, मैजेंटा कर दिया, तो आपको क्लैरिटी होगी। ये जो लाइन नंबर 02 है, लाइन नंबर 02 यहाँ का डिस्पार्चर सिग्नल है S34, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ अप टू कहाँ तक है ये देखिए। यहाँ पे देखिए 20 स्टार्टर है, बट मैंने जैसे बताया था कि मेजर यार्ड में स्टार्टर में भी ओवरलैप इंश्योर करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओवरलैप है, बट मेरा ये कहना है कि छोटे जगह पे तो यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझेंगे, बोलेंगे मैंने खुद कंट्राडिक्टरी बोल दिया क्योंकि आप स्लाइड में कुछ बोला है आपने, और यहाँ पे स्टार्टर में मैंने बोला फॉर स्टार्टर्स पॉइंट्स इन द रूट एंड इन आइसोलेशन, दैट्स ऑल, ओवरलैप नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ देखेंगे यहाँ पे, अब ये भी एक स्टार्टर है, ये कह सकते हैं, ये देखिए एक्चुअल स्टार्टर ये है, ये जो पीछे वाला है ये आपका इंटरमीडिएट स्टार्टर होगा। अभी S14 टू S6 मैंने क्लियर किया, टेक ऑफ हो गया। अब देखिए इसमें मैंने कोई ओवरलैप इंश्योर नहीं किया क्योंकि इसका डेस्टिनेशन S14 से S6 तक है, और S6 तक जाने में सिर्फ रूट ही टेक केयर कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल? S14 103T14T, दैट्स ऑल, सिर्फ रूट ही इंश्योर हुआ, नो ओवरलैप्स। और आइसोलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये बाजू वाले जो लाइन है उससे ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया ड्यू टू द पॉइंट कंडीशन 1034 नॉर्मल। अब जैसे कौन सा स्टार्टर, आइसोलेशन की जो मैं बात कर रहा था वो आपको बता देता हूँ, पहले मैं इस सिग्नल को कैंसिल कर दूँ। अभी मैंने बोला था सन सिग्नल में कोई आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती, पॉइंट्स इन द रूट इज एनफ, आइसोलेशन नॉट कंपलसरी। तो आप ये देखिए अभी आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पे सन 34 यहाँ टेक ऑफ करता हूँ, यहाँ पे देखिए 34 तक टेक ऑफ किया, देखिए सिर्फ ये रूट का टेक केयर कर रहा है, यह डेस्टिनेशन इसका 34 तक, S34 का सन आ भी गया और ये आइसोलेशन को टेक केयर नहीं करता, करेक्ट, ये किसी लाइन से कनेक्टेड है या नहीं है उतना टेक केयर नहीं करता आइसोलेशन का। लेकिन यहीं पे मैं अगर
मेन सिग्नल टेक ऑफ करूंगा। ये देखो मैंने यहां तक मेन सिग्नल टेक ऑफ किया। देखिए आप देखिए ये पॉइंट जो था आपका 108 ये सब फ्री था, अभी लॉक हो गया क्योंकि ये आइसोलेशन में मैंने लॉक किया। दिस इज नोन एज द आइसोलेशन पॉइंट। ये मशीन साइडिंग है, ट्रावल वैगन साइडिंग है, इससे इसका ये जो पॉइंट जा रहा है, ये जो लाइन बन रही है S34 का S14 तक, इसको इंटरवीन नहीं करना। तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू लॉक दिस पॉइंट इन नॉर्मल। ये क्या है नॉर्मल में, देखिए अगर मशीन साइडिंग से कोई गाड़ी आएगी तो ये ड्रिल हो जाएगा ऐसे, तो इसीलिए इसको मुझे नॉर्मल में लॉक करना जरूरी है। दिस इज द आइसोलेशन, यानी कि स्टार्टर में आइसोलेशन आ गया, संट में मैंने आपको ये बताया कि आइसोलेशन नहीं हुआ, करेक्ट। और अगर मैं पॉलीगन की बात करूं, अभी आप देखिए बार बार मैं जो रूट रिलीज कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, कैंसिल करने के बाद ही रूट रिलीज हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है बार बार। ये वही चीज मैं एक रूट होल्डिंग में समझाऊंगा। अभी एक और टॉपिक छूट गया कि कॉलिंग ऑन, अभी मैं कॉलिंग ऑन ये टेक ऑफ करूंगा टू लाइन नंबर विच, यहां पे लाइन नंबर एक में कर देता हूं। देखिए यहां पे कॉलिंग ऑन है, कॉलिंग ऑन टेक ऑफ करता हूं लाइन नंबर एक में, पॉलीगन आ गया या नहीं आएगा। हाँ गोपाल मीना बताओ, ये कॉलिंग ऑन, कॉलिंग ऑन में ओवरलैप सेट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, कॉलिंग ऑन में ओवरलैप नहीं होता सेट सर। नहीं होता सेट, यस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए ओवरलैप सेट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए S55 के आगे ओवरलैप सेट नहीं है, लेकिन आइसोलेशन में जो पॉइंट है वो लॉक है, करेक्ट। 108 109 यानी कि कॉलिंग ऑन में आइसोलेशन चाहिए, ठीक है। अब ये कॉलिंग ऑन सिग्नल क्यों नहीं आया? कॉलिंग ऑन ट्रैक ऑक्यूपाइड नहीं है। हाँ यस, दैट मीन्स मुझे कॉलिंग ऑन ट्रैक को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। कॉलिंग ऑन ट्रैक कौन सा सिग्नल दिया यार? मैंने दिया S1, मुझे S1 का कॉलिंग ऑन ट्रैक जो है वो मुझे इसको ये करना है। देखिए कॉलिंग ऑन ट्रैक ये हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको क्लियर करना पड़ेगा और ये उसके बाद ही आएगा। कितने सेकंड के बाद आता है? 60 सेकंड। वेरी गुड, यानी कि कॉलिंग ऑन ट्रैक ऑक्यूपाई होने के 60 सेकंड के बाद आता है, लेकिन उसमें कंडीशन भी है ना कि ट्रैक लेंथ जो है कॉलिंग ऑन का, दैट शुड बी 5 रेल लेंथ, करेक्ट। 5 रेल लेंथ से ज्यादा होगा तो वो 60 सेकंड वाला फंडा नहीं रहेगा, मतलब दैट विल नॉट बी वैलिड फॉर 5 रेल लेंथ। वी हैव टू इंश्योर द टाइमिंग ऑफ 60 सेकंड। तो अभी ये कॉलिंग ऑन आ गया, इट मीन्स मेरा बस ये कहने का मतलब, देखो अरे यार सॉरी, कि कॉलिंग ऑन सिग्नल आया तो ये देखिए रूट में, रूट इसका कहाँ तक है? अब मैं आगे आता गया लाइन नंबर 1 के, ये क्यों ऐसे बार बार हो रहा है, आई डोंट नो, यानी कि इसका डेस्टिनेशन था S55 तक, ठीक है। अब S55 तक मैंने किया तो इसका मतलब S55 के आगे नहीं किया ये, यानी कि इसको ओवरलैप नहीं चाहिए तो नहीं किया। इट मींस कि फॉर कॉलिंग ऑन नो नीड टू डू द ओवरलैप, ये मैंने आपको बता दिया। संट में नहीं चाहिए, स्टार्टर में भी नहीं चाहिए, फॉर बट मेजर यार्ड्स दैट इज एक्सेप्शन, वो कंपलसरी नहीं है, कर दिया तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, नहीं तो फिर समय जाएगा। कैंसिल कर दिया और इसका रूट रिलीज करता हूँ, इसमें लाइन नंबर 1 में। देखो मैंने ये क्या कर रहा हूँ, रूट रिलीज कर रहा हूँ। रूट रिलीज होने के लिए देखो ये टाइमर चल रहा है, सबको मैं बताता हूँ,
टाइमर क्यों चल रहा है? वन सेकंड, जो ध्यान दे रहे होंगे शायद इसी में बहुत सारा चीज समझ में आएगा। अभी आप देखो कॉलिंग ऑन के ये जो साइन है यहाँ पे मेरा जो मैजेंटा कलर का कर्सर है उसके नीचे देखो आप ये बिंदी आ गया, इट मींस इट शोज दैट कि कुछ टाइमर चला था, ब्लिंक हुआ था, वो स्टडी हो गया। यहाँ पे बहुत कम टाइम है आपके, सिर्फ डेमो के लिए कम टाइमिंग है, बट एक्चुअल में ज्यादा होता है। वो 60 सेकंड का तो टाइमर भी पूरा नहीं हुआ था तो 60 कॉलिंग ऑन आ गया था। उसी तरीके से ये जो मैं रूट रिलीज करने के लिए जो मैंने ऑप्शन का यूज किया एक रूट रिलीज लाइन नंबर एक का, तो करने के बाद एक टाइमर चला जो कि स्टडी हो गया था। अब मैंने जब सेकेंड ऑपरेशन किया तो ये उसके बाद ये सारे रूट रिलीज हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग क्यों बार बार ले रहा है। अभी जैसे मैं फिर से करके बताता हूँ व्हाई इट इज टेकिंग टाइम और कभी नहीं लेता है। अभी देखो मैंने 20 में लिया, ये दो ये भी सन 20 है ना, सन 9 है, अभी टेक ऑफ है यानी कि सन 9 आया हुआ है। मैं जूम कर देता हूँ और गया सन 9 ये रहा। तो जिनको दिख रहा है वो देखिए सन 9 मैंने टेक ऑफ किया है तो वो सारे इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग याद आ गया होगा कि टेक ऑफ होने से पहले सारे ट्रैक्स और पॉइंट इन द रूट शुड बी क्लियर, यानी कि ट्रैक क्लियर होना चाहिए, पॉइंट शुड बी सेट एंड लॉक, पॉइंट सेट भी हो गया लॉक भी हो गया, ये इंडिकेशन बता रहा है। अब जो है और इसको पॉइंट को मैं एल्टर करना चाहता हूं तो एल्टर भी नहीं होगा क्योंकि जब तक आप सिग्नल को ऑन नहीं करोगे तब तक आप अल्टर नहीं कर सकते। ऑन तो मिनिमम कंडीशन है, देखिए ऑन ये सिग्नल ऑन हो गया लेकिन अभी भी पॉइंट ऑपरेट नहीं होगा बिकॉज दैट इज द मिनिमम कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन इज रूट मस्ट बी रिलीज बिफोर अल्टरिंग द पॉइंट। तो मैं अभी क्या करूं, ये इस सन्ट 9 का रूट रिलीज करूंगा टुवर्ड द डेस्टिनेशन 20। अभी ये रूट रिलीज हो गया, पॉइंट का लॉकिंग इंडिकेशन चला गया, नाउ आई कैन ऑपरेट द पॉइंट। तो वो तो ऑपरेशन ऑफ पॉइंट था। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो देखिए कि ये पॉइंट अल्टर हो गया, भैया मैं पॉइंट को नॉर्मल किया। अभी मैं इस पॉइंट को फिर सिग्नल को फिर से टेक ऑफ किया 20। अभी आपने गौर किया था कि जब मैंने इसको कैंसिल करके रूट रिलीज किया तो क्या हुआ, तुरंत हो गया ना। अभी एक और चीज बताता हूँ, सन टाइम वेर इज सन टाइम, अभी ये 14T पे गाड़ी आ गई, दिख रहा है आपको है ना। अभी मैंने सन 9 दे दिया, अब बताइए सन 9 के पीछे गाड़ी खड़ी है, अभी मैं इसको कैंसिल करके जल्दी कैंसिल भी कर दिया और मैं तुरंत रूट रिलीज का बटन भी दबा दिया लेकिन सिग्नल ऑफ हुआ था। तो अभी ये क्या चल रहा है, ये दिस इज द टाइमर इज गोइंग ऑन। तो इसका मतलब अभी टाइमर क्यों चाहिए, अभी स्टडी हो गया एक्चुअली ज्यादा समय का टाइमर है, ध्यान दीजिए कंप्यूटर में बना आप लोग जो सिग्नलिंग बैकग्राउंड से नहीं है, ये टाइमर इतना कम समय का नहीं होता है, ये टाइमर 120 सेकंड का होता है या फिर जो हम टाइमर डिफाइन करते हैं। अभी टाइमर क्या है, मतलब कहने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिग्नल दिया था, सिग्नल ऑफ हुआ था, ऑफ होने के बाद मैंने उसको कैंसिल कर दिया और गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, मैंने तुरंत रूट रिलीज करने की कोशिश किया बट इंटरलॉकिंग ने क्या किया, इट हैज टेकन केयर, नो इट विल टेक टाइम। कुछ समय के बाद ही रूट रिलीज होना चाहिए। तो ये चीज कैसे से इंडिकेट किया यहां पे, अब मैं रूट रिलीज करूंगा तो टाइमर के बाद हुआ, लेकिन इसका मतलब अगर यहां पे गाड़ी नहीं होगी तो टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए ये चीज मैं हम समझाना चाह रहा हूं, दैट इज द रूट होल्डिंग कंसेप्ट, ध्यान देना आप लोग। ये कैंसिल किया और ये रूट लिस्ट किया, जब गाड़ी नहीं है इसके पीछे तो रूट लिस्ट होने में दिक्कत क्या,
अब हो गया, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। दिस इज ऑल। हाँ जी सर, इसमें अप्रोच लॉकिंग हाँ यस यस, मैं वही बोला हूँ, अप्रोच लॉकिंग, रूट होल्डिंग, सब चीज इसी में आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने सिर्फ ये इंसिडेंट याद रखने के लिए मैंने बोला, मैं अभी बताया नहीं कि ये रूट होल्डिंग हुआ या अप्रोच लॉकिंग हुआ या क्या हुआ, मतलब कुछ टाइम लगा तो जाके ये हुआ। तो अभी जो ये ट्रैक का बता रहा था मैं कि ये 14D था, यानी कि सिग्नल के पीछे गाड़ी है, तब ये टाइमर ले रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन पर्पस ऑफ रूट होल्डिंग, मतलब थ्रू द अप्रोच लॉकिंग वी आर होल्डिंग द रूट। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे डिटेल में आगे, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि रूट रिलीज होने में समय लगा अगर सिग्नल के पीछे गाड़ी आए तो। यानी कि इफ द ट्रैक बिहाइंड द सिग्नल्स, या इफ वी हैव इंफॉर्मेशन, या फिर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि सिग्नल के पीछे यानी कि सिग्नल के अप्रोच में कोई ट्रेन है तो रूट रिलीज होने में समय लगना चाहिए। हम रूट रिलीज करने में समय क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है? उसके पीछे पर्पस है रूट को होल्ड करना। और ये जो 14T है, ये 14T, अब एक और चीज है, 14T ड्रॉप होने पे क्यों हुआ? कोई और ट्रैक ड्रॉप होने से टाइमर लग सकता है क्या? अब जिन्होंने बताया था सही बताया कि इसका अप्रोच ट्रैक क्या है, मतलब हम ये ऐसा है कि भाई कॉलिंग ऑन ट्रैक भी तो ड्रॉप है, उससे तो नहीं हुआ कुछ? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अप्रोच ट्रैक है वो डिफाइंड अलग है। क्या डिफाइंड है? जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, ये देखिए संड 9 और S6 के बीच में जो ट्रैक है वही इसका अप्रोच ट्रैक काम करेगा। वो अप्रोच ट्रैक है, सिलेक्शन टेबल में आएगा कि भाई अप्रोच ट्रैक क्या। अब ये बता दिया इन्होंने तो और डिटेल में चले जाते हैं। और क्या, अभी देखिए S30 के पीछे गाड़ी खड़ी है कि नहीं, कौन सा ट्रैक से पता चलेगा? 0480 0480 से पता चलेगा। तो दिस विल बी द अप्रोच ट्रैक। ठीक है, S32 के पीछे गाड़ी है कि नहीं है, ये 0380 BT से पता चलेगा। और भी देखेंगे अप्रोच ट्रैक जब जरूरत पड़ती है, अभी फिर मैं आगे जाता हूँ स्लाइड पे। तो यानी कि ये टॉपिक खत्म हो गया कि पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक का मतलब मैंने क्या बताया था कि पॉइंट सिर्फ रूट में, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट को लॉक कर देंगे। होम सिग्नल के लिए रूट के पॉइंट, आइसोलेशन के ओवरलैप के पॉइंट होने चाहिए, स्टार्टर के लिए आपका स्टार्टर के लिए क्या होना चाहिए, रूट और आइसोलेशन का, सन सिग्नल के लिए रूट का, कॉलिंग ऑन के लिए रूट एंड आइसोलेशन। वो आपको मैं एक डेमो करके बता दिया, थोड़ा याद रहेगा। प्लान्स एंड लॉकिंग टेबल, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा लंबा है बट मैं क्लास ले रहा हूँ, बता दूंगा। सो अभी तक मैंने जो बात किया बस आपको सारा चीज समझाने के लिए, फिर अगेन आई विल जंप टू सिलेक्शन टेबल, बिकॉज विद इन 15 मिनट्स आई विल जंप टू सिलेक्शन टेबल। तो अभी आपका है कि प्लान्स एंड लॉकिंग टेबल्स, आपको पता होना चाहिए कि जो SIP ESP जो होता है, इंजीनियरिंग स्केल प्लान, SIP सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, ट्रैक बॉन्डिंग प्लान भी होता है, केबल प्लान भी होता है, अर्थिंग प्लान भी होते हैं, और आपके फ्लोर प्लान भी होते हैं। ये सब बहुत सारे प्लान है जो मैंने सिर्फ नाम लिया है। तो SIP जो बनता है वो ESP पे बनता है, यानी कि ESP पे बेस्ड पे SIP बनाया जाता है। अब मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। ESP से SIP बन गया, SIP के बाद बनते हैं सिलेक्शन टेबल। क्या बनते हैं? SIP के बाद सिलेक्शन टेबल। सिलेक्शन टेबल के बहुत सारे नाम हैं, STLT सिलेक्शन टेबल, लॉकिंग टेबल। लॉकिंग टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीमेंस में लॉकिंग टेबल भी एक चीज़ अलग होती थी। इसको सीधा सिलेक्शन टेबल भी बोल सकते हैं। इसी का नाम है RCC रूट कंट्रोल चार्ट। इसी का नाम है TOC टेबल ऑफ कंट्रोल। ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, STLT, ST, RCC, TOC। कभी आपके क्वेश्चंस में ये आ गया कि आप सिलेक्शन टेबल, ST, RCC और TOC, कुछ भी हो सकता है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे
एसआईपी में मैं ब्रीफ में करता हूं कि एसआईपी जो मैंने बताया कि सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान क्या होता है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक एसआईपी दिखाऊंगा। अभी आपको मैं एक एसआईपी दिखाता हूं, ये एक मिनी एसआईपी जो आपके साथ अभी स्क्रीन पे है, दिस इज द मिनी एसआईपी। तो एसआईपी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एसआईपी मिनी एसआईपी देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं इसमें। एसआईपी में सिग्नल्स कहाँ पे लगे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, बीएसएलबी कहाँ लगा है, पॉइंट्स प्रॉपरली शो किए हुए होते हैं, प्रॉपर सिंबल्स यूज करते हैं ब्लॉक का, दिस इज द मिनी एसआईपी। मिनी एसआईपी मतलब एसआईपी से बनाया हुआ, डिराइव किया हुआ एसआईपी है। आपको एक एसआईपी बताता हूँ, छोटा सा एसआईपी बताऊंगा ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चे दब गया, ये देखिए दिस इज नोन एज एसआईपी। अगर मैं जूम करके बताऊं तो दिख रहा है ना, ये देखिए एसआईपी में क्या क्या है, यहाँ पे नाम है, थोड़ा सा टेम्पलेट है, डिवीजन क्या है, ये कुछ इंटरलॉकिंग का है, क्लास ऑफ द स्टेशन है, डेविएशन है। तो दिस इज द एसआईपी जहाँ पे कौन कौन सा सिग्नेचर करना, हु आर अप्रूविंग पर्सन। तो दिस इज ऑन द टेम्पलेट, टेम्पलेट में क्या है, स्केल देखिए यहाँ पे वर्जन है, स्केल है, किस स्केल में बनाया हुआ, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, क्या स्केल है। बाजू में स्टेशन का नाम देखिए, एडिशन स्टेशन का नाम कंप्लीट लिखा हुआ है, नो एब्रिविएशन इज टू बी यूज हेयर, कोई एब्रीविएशन नहीं चलेगा, किलोमीटर कितना दूर है वो लिखा हुआ है। एक चीज इसमें गलती लिखा हुआ है जो है क्लास बी स्टेशन है या कौन सा क्लास है वो पता होना चाहिए यहाँ पे, ये एसआईपी में मिस्टेक है, ठीक है। तो ये देखिए एसआईपी ऐसा होता है जिसमें कि सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान है, मतलब सिग्नल्स कहाँ कहाँ लगे हैं, मेन सिग्नल, सन सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या है, गेट्स कहाँ पे हैं, उसके मूवमेंट्स देखिए, मूवमेंट्स बताए हुए क्लियरली, यहाँ पे S12 S14 आएगा, ब्लॉक डीपीएससी कहाँ पे, यानी कि ये जाते गियर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बताया कि पॉइंट सिग्नल ट्रैक्स ये सब गियर्स होते हैं, ट्रैक्स कौन कौन से हैं, तो ये हमें सारा प्रॉपरली बताना पड़ता है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस कहाँ कहाँ है ये बताना है, ब्लॉक भाई देखिए ये जो मार्किंग है देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं बनाया है, पर एक डिमार्केशन होता है स्टेशन का यहाँ पे ऐसे, ये स्टेशन में ऑपरेटर्स लगे हुए हैं कि भाई ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये कैची का सिंबल है, दैट यू शुड नो। एस आई पी में जो भी चीज़ हम बताते हैं सिम्बलिकली बताते हैं, और सिम्बल्स एक स्टैंडर्ड सिम्बल्स होते हैं, जैसे ये टोकनलेस ब्लॉक है, ये डबल लाइन का ये एसबीआई ब्लॉक का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ टेलीफोन, ठीक है। ये जो आप शायद मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, कल्सा दिख रहा था ना, ठीक है ठीक है। अब मैं एसआईपी मैंने आपको दिखा दिया, अगर होगा तो मैं वहां रख भी दूंगा, करेक्ट। तो दिस वाज द एसआईपी, एसआईपी में कौन सा काम है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, एसआईपी का नंबर होता है। अब चलिए यहाँ पे आता हूँ, तो यानी कि दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द एसआईपी। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है, एससीएम का पैरा पढ़िएगा 8.1.5। एक ड्राइंग्स में यानी कि एसआईपी में क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, क्लास ऑफ द स्टेशन, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द रनिंग लाइन, जिसको सीएसआर और सीएसएल बोलते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी से मतलब है सीएसआर और सीएसएल, ठीक है। फिर आपका है डिटेल्स ऑफ द रिसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइडिंग्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिटेल्स, मतलब ऑल द ग्रेडियंट्स विद इन स्टेशन लिमिट्स एंड अप टू द 2.5 किलोमीटर्स इन रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ध्यान रखिए। ये क्या होता है, ग्रेडियंट्स क्या होता है वो दिखाऊं बताऊं आपको, ये ग्रेडियंट पोस्ट क्या होता है, एसआईपी में बता देता हूँ, ये देखिए इसको बोलते हैं ग्रेडियंट पोस्ट। अगर इधर से ट्रेन आ रही है तो वो उसको स्लोप नीचे की तरफ मिलेगा या ऊपर की तरफ मिलेगा,
इसे साफ मान चल रहा है कि अप मेन में गाड़ी आएगी तो इसको पेरेंट्स लोग जो भी होगा उससे थोड़ा कम मिलेगा, फिर उसका और नीचे ढलाना है, और नीचे ढलाना है, और नीचे ढलाना है, तो दिस इज नोन एज द, यू कैन से हाउ द स्लोप इज देयर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट पोस्ट पता होना चाहिए। किलोमीटर एंड क्लास ऑफ द लेवल क्रॉसिंग गेट विद इन द स्टेशन लिमिट, अभी आपने देखा होगा ऐसा कि हम क्या क्या बताते हैं, मैंने मोटा मोटी बता दूँ, सिग्नल बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, ट्रैक्स बताते हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट्स बताते हैं, साइडिंग्स बताते हैं, अगर कोई बर्थिंग पोर्सन बताते हैं तो उसके बर्थिंग पोर्सन के क्या कितना ये है वो पता होना चाहिए, अगर पॉइंट मैंने लगाया तो उसका पॉइंट कौन सा है, 1:12 है, 1:8.5 है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन SIP में हम बताते हैं। अगर LC गेट बताया तो भाई कौन सा किलोमीटर पे है, कौन सा LC गेट है, स्पेशल क्लास है, क्या क्लास है, मतलब SIP देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ लगा हुआ है, करेक्ट। और भी चीज़ें हैं जो इसमें, एक ही चीज़ को टॉपिक को भी कवर नहीं कर सकता, मैंने रेफरेंस में बता दिया, बट जो चीज़ न्यू पर्सन है उनके लिए मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, वेदर टर्निंग से 8.5, 1:12 और 1:16 और सिमेट्रिकल स्प्लिट और थिक वेव स्विच, ये क्लैरिटी होना चाहिए SIP में। डिटेल्स ऑफ डिटेक्शन टेबल विच आर नॉट अपेरेंट इन द पॉइंट टेबल, ये अभी यूज नहीं करते, वो मैकेनिकल सिग्नलिंग में यूज करते थे। डिटेल्स ऑफ ट्रैक सर्किट्स, जितना भी चीज़ मैंने अभी बताया, जो आपको तो मैंने फाइनल वीडियो बता दिया, उसमें एक एक चीज़ चेकअप करने के लिए गया, जो जो चीज़ चाहिए, सिग्नल चाहिए, ट्रैक्स चाहिए, वो सारी चीज़ मुझे SIP में बताना है। एस्पेक्ट सीक्वेंस चार्ट, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर मुझे ये पता ही नहीं रहेगा कि अगर मैं कोई सिग्नल दे रहा हूँ तो उसको येलो आने की क्या क्या कंडीशन है, तो वो ग्रीन कब आ सकता है, तो वो मुझे SIP में बताना होता है कि भाई कैसे आएगा। ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिग्नल ग्रीन कब हो, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रीन, ये रेड का सिंबल होता है, ये रेड येलो का होता है और ये ग्रीन का होता है, ये सीधी वर्टिकल लाइन ऐसे। तो अगर मुझे ये सिग्नल आना है ग्रीन तो कब आएगा भाई, जब तक सामने वाला ग्रीन नहीं है तब तक ये ग्रीन कैसे आएगा, और ये ग्रीन तब आएगा जब ये सामने वाला ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्रीन से ये ग्रीन और ये ग्रीन से ये ग्रीन और फिर इस ग्रीन से ये DD ग्रीन, ये सिंपल हो गया, यानी कि दिस इज नोन एज द सीक्वेंस चार्ट, एस्पेक्ट सीक्वेंस चार्ट, ठीक है। तो यस, अब आते हैं जो मैंने आपको बताया कि यही स्टेशन है, आप देखिए इस स्टेशन का नाम ये मूली रोड है, ये मूली रोड स्टेशन है, किसी रामपर्दा या मूली रोड, आई डोंट रिमेंबर, या मिनी SIP ऑफ द मूली रोड, ये एक मूली रोड स्टेशन है राजकोट डिवीजन में, उसका मैंने मिनी SIP आपके लिए रखा है सिलेक्शन टेबल को समझने के लिए। अभी तक जो मैंने चीज बताया आपको, रूट क्या है, ओवरलैप क्या है, 120 मीटर कब यूज करेंगे, सब्सिडरी सिग्नल क्या क्या है, देखिए संट सब्सिडरी सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सब्सिडरी सिग्नल है, कॉलिंग ऑन और संट में किसमें, संट में ओवरलैप, इसमें ओवरलैप नहीं चाहिए, इसमें ओवरलैप नहीं चाहिए, स्टार्टर देखिए S12 to S2 जाएगा, दिस इज स्टार्टर मोमेंट, ओवरलैप नहीं चाहिए, और कोई सिग्नल ऐसा तो है नहीं जिसमें रूट नहीं होगा, तो रूट तो सब में होगा, मैंने कि जहाँ तक जाता है वो रास्ता तो सबके पास होगा, तो रूट सब में होगा, और आइसोलेशन दो ही में होते हैं, मेल स्टार्टर में और मेल रिसेप्शन सिग्नल में और कॉलिंग ऑन में, तीन में, इसमें भी चाहिए, यानी कि कॉलिंग ऑन हो या मेन सिग्नल हो, इधर से जाएगा तो ये आइसोलेशन में प्रूव करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मशीन साइडिंग है, पॉइंट है, स्टार्टर है तो भी चाहिए मुझे, तो स्टार्टर में भी हो गया, यानी कि मेन सिग्नल होम में, कॉलिंग ऑन में, स्टार्टर में, ये प्रूव करना है, लेकिन संट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये मुझे साइडिंग में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं, कर देंगे तो बुरा नहीं है बट कंपल्सन नहीं है। तो क्या बताया मैंने कि भाई सिलेक्शन टेबल करने से पहले आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अब जैसे आपको याद होगा, आपके साथी ने बताया था कि एक सेकेंड,
अभी तो आपके साथी ने बताया, क्या बताया कि वो अप्रोच लॉकिंग वाली चीज कुछ बात बता रहे थे। अप्रोच लॉकिंग किस लिए यूज करता है? अप्रोच लॉकिंग इज फॉर रूट होल्डिंग ओनली। कहने का मतलब, अगर कोई ट्रेन इस सिग्नल को मैंने टेक ऑफ किया और यहां तक मैंने दे दिया, अब मुझे पता ही नहीं कि यहां जो ट्रेन आ रही है वो कहां पे, पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट रिलीज करने में मैं हमेशा समय लूंगा, ताकि जब तक गाड़ी यहां आए तब तक रूट होल्ड रहे, दैट इज नोन एज द रूट होल्डिंग। और डिटेल में बात करूंगा। और सपोज कीजिए कि मुझे ये पता नहीं था कि गाड़ी कहां पे, तो मैंने इसका रूट होल्डिंग, यानी कि इसका मैंने रूट कैंसिलेशन अप्लाई किया। क्या किया? कैंसिलेशन, रूट रिलीज करने की कोशिश किया कि भाई मुझे रूट इधर का सिग्नल दिया हुआ था, इसको मैं रिलीज कर देता हूँ इसको, और फिर मुझे इधर का सिग्नल दे देता हूँ। तो दिस इज नोन एज, इसको रिलीज करना पड़ेगा, फिर इधर सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पीछे ट्रेन कहाँ है। अब चूंकि इसके पीछे कोई ट्रैक सर्किटिंग नहीं है, तो मुझे पता नहीं ट्रेन कहाँ है, तो मैं इसको 120 सेकंड का टाइम लूंगा, फिर रूट रिलीज करूंगा। तो दिस इज द अप्रोच में कोई गाड़ी है कि नहीं, दैट इज नोन एज द अप्रोच लॉकिंग। अगर अप्रोच में गाड़ी है तो उसको यूटिलाइज करके मुझे रूट को होल्ड करके रखना है, तो दैट इज नोन एज द अप्रोच ट्रैक, यानी कि उसको बोलते हैं अप्रोच लॉक। अब जैसे S12 नहीं, पहले स्टार्टर की बात करता हूँ। S14 को मैंने टेक ऑफ किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है तो मैं समय लूंगा इसको रूट रिलीज करने में, लेकिन अगर गाड़ी है ही नहीं अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है ही नहीं If there is no train here, तो इसका मतलब इसको मुझे रूट रिलीज करने में कोई समय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो S14 का अप्रोच ट्रैक क्या हो गया? ये दो ट्रैक हो गए, यानी कि इस पूरे पोर्शन पे गाड़ी होगी तो नहीं आए। जैसे देखिए, हाँ जी, अगर मैंने S57 नहीं, कोई ऐसा सिग्नल देता जो आपको दिखे, मैंने S32 S20 दिया, सॉरी अभी मैंने यहां तक क्लियर किया सिग्नल, ठीक है। अभी मुझे इसके अप्रोच में ट्रैक क्या क्या है? 0480, 0450। अगर यहां पे गाड़ी खड़ी होगी तो टाइमर लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अप्रोच ट्रैक है। रूट में कौन कौन सा ट्रैक है? अब देखिए रूट में क्या क्या ट्रैक है। स्टार्टर सिग्नल है, ये ट्रैक है 116T, 34T, 114T, 20T है, बस। क्योंकि 14 के आगे जो भी ट्रैक है 103T और 14T, that has been included in the overlap, ठीक है। अब मैं यानी कि अभी आपने इस सिग्नल जो मैंने टेक ऑफ किया हुआ है, इससे आपको क्या मालूम चला? फ्रॉम कहां से कहां तक जाना है? फ्रॉम S32 सिग्नल नंबर S14 तक जाना है। रूट में क्या क्या पॉइंट है, ट्रैक है, वो आपको पता है, ठीक है। रूट में पॉइंट और ट्रैक क्या क्या है, ओवरलैप्स मैंने बताया, यहां से यहां तक है। तो ओवरलैप में भी क्या होते हैं? तीन चीज होते हैं, ओवरलैप कौन सा सेट हो रहा है, ट्रैक कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आपको मैं सिलेक्शन टेबल बताता हूँ। एक रूट बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये देखिए, ये एक सिंपल मिनी ऐसा भी बनाया हुआ है आपके लिए, मैंने एक यहाँ पे रखा है
अभी देखिए मैं एक लाइन क्लियर करता हूँ एस फाइव का, एस फाइव टू लाइन नंबर वन मैं क्लियर करता हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ से मुझे टेक ऑफ करना है, ये देखिए यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा रूट, यानी कि सिलेक्शन टेबल के जो कॉलम्स है वो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस दो ही चीज पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। देखिए मूवमेंट्स फ्रॉम टू ये याद करने की जरूरत नहीं है, बटन कौन कौन सा, जो सिग्नल का नाम रहता है वही बटन होता है, और रूट बटन होता है जहाँ तक जाना है उसका बर्थिंग पोर्शन का नाम, बटन बर्थिंग ट्रैक का नाम, ये रूट बटन हो जाते हैं। अब इन द रूट मैंने बताया इन द रूट यहाँ तक, और ओवरलैप, ओवरलैप में भी तीन चीज होगा, पॉइंट कैसा है, नॉर्मल है, रिवर्स है, ट्रैक सर्किट कैसा है, और ओवी सेट कौन सा है। रूट में क्या होगा, रूट में भी तीन चीज होते हैं, पॉइंट्स, पॉइंट और ट्रैक होता है, दो चीज होता है, नॉर्मल होगा या रिवर्स होगा या ट्रैक सर्किट कैसा है। फिर आइसोलेशन का कॉलम है, ट्रैंग हैंडल एक चीज होता है कि हर एक पॉइंट जो होते हैं, ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है ये क्रैंक हैंडल से इंटरलॉक्ड होते हैं, जिसको कि एक टेबल होता है क्रैंक हैंडल जो SIP में रहता है, वो मैं बता देता हूँ, वहाँ से ये लिस्ट आता है, उसमें लिस्ट में अगर ये 0.101 है तो इसका क्रैंक हैंडल SIP में जो दिखाया हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना है। गेट कंट्रोल है, कंट्रोल में दो चीज हो गया, क्रैंक हैंडल कंट्रोल हो गया, ये हो गया गेट। अप्रोच लॉकिंग एक चीज है, वही जो अभी मैं डिस्कस किया था कि किस ट्रैक के ड्रॉप होने से टाइम लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, दैट इज नोन एज अप्रोच लॉकिंग। सिग्नल आस्पेक्ट के, यानी कि वो जो सिग्नल आएगा वो किससे आएगा, बात खत्म। और ये है जो मैंने एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग में बताया था कि विच टू कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आर टू बी लॉक्ड, साइमल्टेनियस मोमेंट जो लॉक होंगे यहाँ पे लॉकिंग कॉलम में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, देखो एस फाइव आना है 24 तक लाइन नंबर वन, तो एस फाइव मैंने किया, रूट कौन सा है, एस फाइव में जंक्शन आएगा यानी कि रूट इंडिकेटर आएगा, तभी S33 तक आ सकता है, यानी कि S5 आया S33 तक, तो S5 रूट कौन सा, S5A, कहां से कहां तक, S5 फ्रॉम टू S5 टू S33, देखिए S33 आ गया, और सिग्नल बटन कौन सा यूज करना है, S5 का, 5 का। अगर मैंने बोला कौन से लाइन में जाना है, ये देखिए आपको यानी कि यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, तो मैंने अभी तक सिर्फ रूट का बताया, रूट में क्या है दो बटन है, लाइन नंबर एक है इसलिए 01, और सीधा जाना है तो 1, और दूसरा तरफ जाना है तो 2 बटन, 1-2। अलग अलग नोमेनक्लेचर है, कोई कोई लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको कोई कोई 1D बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं 1-2 को 1M, लाइन नंबर 1 में मेन लाइन, ठीक है, तो अलग अलग तरीका है, दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे 1D भी हो सकता है और यहाँ पे 01M भी हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये बटन का हो गया, अब आप लोग को इतना चीज मैंने डिस्कस किया उसका कुछ तो फायदा हो। अब देखिए S5 जब लाइन नंबर एक में जाएगा तो कौन सा पॉइंट नॉर्मल होगा, ये पॉइंट कैसा होगा, ये लाइन सीधी रहनी चाहिए ना, तो 101 नॉर्मल होगा, 101 नॉर्मल में आएगा, 1034 इधर रिवर्स होगा तो ही इस लाइन में जा पाएंगे, इसलिए 1034 रिवर्स है। ये ट्रैक कौन कौन से है, देखिए 5T तो 5T, 102T तो 102T, 103T तो 103T, 104 1070 तो 104T, और जहाँ पे गाड़ी पहुँचनी है वो भी लाइन क्लियर होना चाहिए, तो 0180 VT क्लियर होना चाहिए। ये देखिए ये जो शर्त है कि जहाँ गाड़ी जानी चाहिए दैट लाइन शुड ऑल्सो भी क्लियर, दैट वॉज इलस्ट्रेटेड इन द रिसेप्शन सिग्नल में था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0180 VT आया। अब आई बात ओवरलैप, देखिए ओवरलैप चूंकि ये कौन सा सिग्नल है, मेन सिग्नल है, रिसेप्शन सिग्नल है, इसमें ओवरलैप होंगे, तो मैंने ओवरलैप देख लिया, चलो ओवरलैप, तो इसमें दो ओवरलैप है, एक का नाम OV133 दूसरे का OV233, तो ये डेरेन की तरफ किया है, पहला ओवरलैप सेट किया, देखिए OV1 तो 127 128 नॉर्मल हो गया, देखिए 127 128 नॉर्मल है पॉइंट ये वाला, और 127T हो गया, 120 और 107 नॉर्मल, मैंने बोला था ना कि रिसेप्शन सिग्नल में आइसोलेशन चाहिए, तो यहाँ पे 107 को नॉर्मल प्रूव करना पड़ेगा, तो जो कि मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। और ये क्रैंक हैंडल का डिटेल तो आपको CS से देखना है, SIP के टेबल से।
अब ये सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, ये सिग्नल यहाँ तभी आएगा जब ये सिग्नल रेड रहना चाहिए, क्योंकि आगे डेड एंड सेट है तो इसलिए रेड रहना चाहिए। अगर ये मेन लाइन की तरफ सेट होगा ओवरलैप ऐसे, तो उस समय रेड और येलो दोनों कंडीशन हो सकता है, हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं सिग्नल टेक ऑफ करूं उससे पहले S33 दे दिया तो ये तो पहले येलो हो जाएगा, फिर भी ये S5 आ सकता है लाइन नंबर वन, इसका मतलब ये। अब यानी कि ये OV1 का हो गया, और OV1 जब मैंने सेट करूंगा यहां से यहां तक सेट हो गया, यानी कि ये OV पोर्शन भी हो गया यहाँ पे, इसमें क्या क्या लॉक होना चाहिए, कॉलिंग ऑन ये लाइन जब मैंने सेट किया है तो यहाँ पे कॉलिंग ऑन नहीं आना चाहिए, यानी कि कॉलिंग ऑन 1 लॉक हो जाएगा, कॉलिंग ऑन 5 टू लाइन नंबर 1, और यहाँ पे एक ही मूवमेंट आ रहा है जो है सन 44 का, तो वो लॉक होना चाहिए, ये दो मूवमेंट लॉक हो गए, खत्म हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं लिखा हुआ है सन 18 लॉकिंग में, क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए ये मूवमेंट में ये पॉइंट नॉर्मल है, और ये मूवमेंट आने के लिए देखिए ऐसे ऐसे रिवर्स सही है, तो इसे लिखते नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, बिकॉज दिस विल बी द रिडंडेंट ऑटोमेटिकली लॉक थ्रू द पॉइंट्स मूवमेंट्स, आप लिख भी सकते हो, दैट विल ऑल्सो नोन एज द कन्फ्लिक्टिंग वाले, कि ऐसा 18 सन 18 नहीं आना चाहिए इधर, सन 7 लाइन नंबर 1 में नहीं जाना चाहिए, सन 7 लाइन नंबर 2 में नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली पॉइंट ही उसको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए यहां नहीं लिखा हुआ है, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और दूसरा मैं अगर सेकेंड पॉइंट देखूं, OV2 में सेट किया, देखिए OV2 में यानी कि यही मूवमेंट ऐसे सेट किया, OV2 मतलब मैंने आपको बताया ना कि ओवरलैप कितना रखना है, एडिक्वेट डिस्टेंस 120 मीटर, तो मान लीजिए एडिक्वेट डिस्टेंस यहाँ तक है, ठीक है, इसमें कहाँ तक सेट किया ओवरलैप, यहाँ तक सेट किया अप टू एडवांस तक, लास्ट तक 120 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, S5 तो रूट तो वही रहेगा, OV1 ओवरलैप 1 में सेट कीजिए या 2 में, रूट में कोई अंतर नहीं है, इसलिए रूट में कोई चेंज नहीं है, देखिए वही चीज़ है, बटन सिर्फ चेंज कर दिया, रूट में सारे ट्रैक वही है। अब ओवरलैप OV2 में क्या किया, पॉइंट चेंज हो गया, यानी कि 27-28 रिवर्स हो गया, 129-30 नॉर्मल हो गया, ट्रैक कौन कौन से, 120-70, 127, 120-80, 120-80, 120-90, 120-90, 30-90, तो 30-90। इसमें एक नई चीज़ आ गई कि इस ओवरलैप में गेट भी है, तो गेट को प्रूव करना जरूरी है, इसका कंट्रोल क्या है, कंट्रोल प्रूव करना होता है, ये कंट्रोल देखिए लिखा हुआ 310, तो यहाँ पे गेट कंट्रोल के नीचे 310 प्रूव कर दिया, CH आप टेबल के हिसाब से लिख देंगे, वैसे SIB में देखिए वन का CH 101 102 का ये लिखा हुआ CH1, 103-4 का CH2 लिखा हुआ है, ठीक है, 107 का 10 नॉर्मल का CH4 है, 427-28 का CH14 है, और 129-30 का CH15 है। आप बोलेंगे ये कैसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, SIP में ऐसे ही लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 101 का CH1 है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो OV2 में जो मैंने सेट किया, यहाँ से यहाँ से सेट कर दिया, तो आपको यहाँ तक सिलेक्शन है, इसमें सिग्नल में क्या है, अब चूंकि ये है तो इस कंडीशन में ये येलो पहले से भी रह सकता है और रेड भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आएगा। अब इसमें लॉकिंग क्या होगा, इसी रूट पे कॉलिंग ऑन नहीं आ सकता लॉक, और सन 44 लाइन नंबर 1 में नहीं आ सकता, इसीलिए ये लॉक हो गया, खत्म। अभी आप देखेंगे मैं दूसरा एक चीज देखा था, ओहो खत्म, इतना भी किया, ज्यादा ट्रेनिंग है, मेन सिग्नल एक ही मेन सिग्नल किया। अगर आपको डिटेल में कॉलिंग ऑन भी चाहिए तो कॉलिंग ऑन में क्या रहेगा, कॉलिंग ऑन में ये वाला टेबल नहीं रहेगा, ओवरलैप पोर्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, कॉलिंग ऑन में ये पोर्शन हट जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है, संट में भी इसकी जरूरत नहीं रहेगी, संट में भी इसकी जरूरत नहीं रहेगी,
वाले गन में भी इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको अच्छा नहीं, एक चीज नहीं आया इसमें, कवर नहीं किया मैंने, सॉरी मैं कवर कर देता हूं। ये रूट होल्डिंग क्या है? रूट होल्डिंग इज नथिंग बट टू होल्ड द रूट फॉर द सेफ्टी ऑफ द इनकमिंग ट्रेन और फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रेन। कहने का मतलब मैं आपको वैसी भाषा में बता रहा हूं जो समझ में आए, नॉट अ डेफिनेशन। दैट मीन्स क्या, मान लीजिए कि मैंने S39 यहां तक टेक ऑफ किया, रूट सेट है, लॉक है, बिल्कुल लॉक है, मान लीजिए रूट सेट है, लॉक हो गया। अभी यहां पे गाड़ी खड़ी है जो मैंने आपको तुरंत बताया भी था, तो अगर मैं इसको रूट अल्टर करना चाहूं कैंसिल करके, तो मुझे समय लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सोचने वाली बात, तो लेना चाहिए। तो दिस इज नोन एज द अप्रोच लॉकिंग फॉर रूट होल्डिंग। अप्रोच लॉकिंग फॉर रूट होल्डिंग है, यानी कि अगर S39 है तो इसका अप्रोच लॉकिंग में क्या आएगा, 0 to 80, 0 to BT। लेकिन S39 जब दिया हुआ है तो इसमें पीछे से भी गाड़ी आ सकती है हाई स्पीड में, और मैक्सिमम स्पीड ओनली वी आर प्रोवाइडिंग द अप्रोच लॉकिंग। तो इसमें हाई स्पीड में आने की संभावना है ट्रेन पे, यानी कि रन थ्रू कंडीशन में गाड़ी आ सकती है, ग्रीन कंडीशन में। इसीलिए 0 to 80 BT के अलावा यहाँ पे जब ये सिग्नल S5 दिया हुआ है तो ये ट्रैक पे भी गाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो इसके रूट रिलीज में 120 सेकंड लगना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, एक मिनट और लेता हूँ। और रूट होल्डिंग एक और है कि रूट होल्डिंग प्रिवेंट्स द अल्टरिंग ऑफ द रूट्स ऑलरेडी सेट रूट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखिए, मैंने अगर इस ट्रैक को, यानी कि S30 के लिए अभी मैं इसे कैंसिल करूंगा तो टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इसके अप्रोच लॉकिंग में लिखा हुआ है 0 to 80 BT, कुछ भी फेल करेंगे। अब देखिए टाइम लग रहा है, तो इसके अप्रोच लॉकिंग में क्या नहीं है लिखा हुआ, 0 to 80, 0 to 4 BT। दिस इज अप्रोच लॉकिंग फॉर S30। ठीक है, देख लीजिए आप फिर से, ये देखिए, क्योंकि इसमें चूंकि गाड़ी को रन थ्रू नहीं आ सकता, इसीलिए अप्रोच लॉकिंग सिर्फ बर्थिंग ट्रैक इज एनफ। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, अभी देखिए मैंने इसको रूट लिस्ट कर देता हूं। अब एक्चुअली मीनिंग समझ में आएगा आपको कि इसका क्या है, क्यों रूट होल्ड करता है। अगर यहां पे गाड़ी खड़ी है तो टाइम क्यों लेते हैं, अप्रोच लॉकिंग लेते हैं किस लिए, रूट होल्डिंग के लिए। अब क्यों, अब रूट होल्डिंग क्या है, If any tracks gets occupied, अब देखिए अभी तक तो ट्रेन यहीं पे खड़ी थी, मैंने टेक ऑफ भी कर दिया, अब मैं इसको अल्टर करने जा रहा हूं। अब ध्यान देना, मैंने कैंसिल कर दिया, रूट होल्डिंग क्या बता रहा हूं, अभी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, जब यहीं पे गाड़ी खड़ी थी तो मैंने रूट, अभी यहीं पे गाड़ी खड़ी है, देखिए मैंने रूट रिलीज किया, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, अभी गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पे ही है। सो दैट्स वाई आई एम रनिंग द टाइमर, मैं वेट कर रहा हूँ, समय ले रहा हूँ अप्रोच लॉकिंग के हेल्प से कि चलो ठीक है, अब ट्रेन जहाँ थी वहीं है, इट हैज नॉट एंटर द रूट। सो दैट्स वाई नाउ वी डोंट वॉन्ट टू कीप द रूट सेट। अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो टाइम पीरियड भी हो गया, इसलिए मुझे रूट होल्ड करके अब रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब रखने की जरूरत है मैं वही समझा रहा हूं। अभी देखिए मैंने फिर टेक ऑफ कर दिया, ये टेक ऑफ कर दिया, अभी मैंने कैंसिल किया और मैं रूट रिलीज की तैयारी कर रहा हूं। देखिए लेकिन इतने में क्या होगा वो देखो, ट्रेन जो है यार S30 का हो गया, ट्रेन एंटर कर गया, देख रहे हैं आप, मतलब जब मैंने कैंसिलेशन अप्लाई किया था तो टाइमर चल रहा था, बट जो ये ट्रेन जो खड़ी थी यहां पे ये आगे चला गया। अब मुझे बताइए कि नाउ
दिस रूट शुड बी रिलीज विदाउट विद टाइम और होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं रूट होल्ड करके नहीं रखा, देखिए मैं वही बोला था, अगर मैं रूट होल्ड करके नहीं रखा तब तो रूट रिलीज हो जाएगा, और एक बार रूट रिलीज हो गया तो रूट तो अल्टर हो जाएगा। ये पॉइंट भी मूव कर सकता हूँ, ये पॉइंट नहीं मूव करूंगा तो आगे वाला पॉइंट मूव कर सकता हूँ। अभी देखिए मैं रूट होल्ड है इसलिए ये पॉइंट मूव नहीं हो रहा, करेक्ट, और मुझे पता नहीं है अभी ट्रेन तो चल ही रहा है, हो सकता है मैं रूट रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्रेन जो ऑपरेटर है या जो भी ड्राइवर है वो मान ही नहीं रहा, वो कुछ है सब कुछ कन्फ्यूजन है, दैट ट्रेन इज नॉट कंट्रोलेबल, वो आगे चलता ही जा रहा है। देखो आगे चलता ही जा रहा है तो आ गया S30, एक ट्रैक छूट गया, कौन सा 123T, हाँ ये ट्रैक देखिए अभी ट्रेन आते ही जा रही है। अभी मैं ट्राई भी कर रहा हूँ रूट रिलीज करने का, देखिए टाइमर ही नहीं चल रहा, जो टाइमर चल भी रहा था वो भी बेचारा बंद हो गया। दैट मीन्स कि देखो अप्रोच लॉकिंग का फायदा ये है कि अप्रोच लॉकिंग ये हमें बताता है कि वेदर वी शुड गो फॉर ए टाइमर टू रिलीज द रूट और नॉट, लेकिन वो टाइम क्यों ले रहा हूँ दैट इज द पर्पस ऑफ द रूट होल्डिंग। अच्छा अब एक चीज और है, रूट होल्डिंग के लिए अगर रूट का कोई ट्रैक अगर ट्रेन के ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपाई हो गया तो मुझे रूट अल्टर नहीं करने देना है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ रूट होल्डिंग। अगर रूट होल्ड करके नहीं रखेंगे तो रूट अल्टर हो सकता है, तो दैट इज द मिनिमम टाइम दैट वी शुड टेक टू रिलीज द रूट, दैट इज द पर्पस ऑफ रूट होल्डिंग। रूट होल्डिंग के लिए टाइम कितना लेना है वो एक डिपेंड करता है हमारे कंडीशन पे, क्या कंडीशन, जैसे बर्थिंग पे गाड़ी नहीं थी तो मैंने टाइम नहीं लिया, इमिडिएटली रूट रिलीज कर दिया, दैट मीन्स वी आर नॉट, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द रूट फॉर इवन अ सेकेंड ऑल्सो, एक सेकेंड के लिए भी रूट होल्ड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो मुझे 120 सेकेंड के लिए रूट होल्ड करके रखना है जस्ट टू अवॉइड द एल्टरिंग ऑफ द रूट इन द फेस ऑफ ट्रेन। कैसे, किसके फेस में, अप्रोचिंग ट्रेन के फेस में रूट को अल्टर करने को प्रिवेंट करने के लिए मुझे रूट होल्ड करके रखना, करेक्ट। अभी अभी आप देखिए मैं क्या करूं, अब रूट अल्टर कैसे होगा, तो मुझे या तो ये ट्रेन क्लियर चाहिए बस, मैं खत्म करता हूँ, आई थिंक इट्स टू मच। अभी देखिए अब रूट में कोई ट्रेन नहीं है, जो ट्रेन जहाँ खड़ी थी वही है, ठीक है अब मैं रूट रिलीज करता हूँ। तो कहने का मतलब आप कैसे करेंगे, किसी का भी देखिए टाइमर ले रहा है, आफ्टर टाइम अगेन सेकंड ऑपरेशन करेंगे ये रूट रिलीज हो गया। अब मैं किसी भी पॉइंट को अल्टर कर सकता हूँ, देखिए जो पहले नहीं कर पा रहा था अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने टाइम लेने के बाद ही रिलीज किया है, तो अब मैं कोई पॉइंट को अल्टर कर भी दूँ तो वो ट्रेन तो आने वाली है ही, करेक्ट। नाउ इट इज द सेफ ऑपरेशन एंड इट इज द सेफ मार्जिन टू अल्टर द रूट, तो ये अप्रोच ट्रैक में यही आएगा। जैसे मैं बताऊं, अगर कोई बोले कि यार ये सन 25 का अप्रोच ट्रैक क्या है, अप्रोच लॉकिंग में क्या आएगा, 34T, ये सन 23 का क्या आएगा, भाई ये जो ट्रैक है वो आएगा, फिर ये जो आपका है सन 3 18T पे गाड़ी खड़ी है तो सन 30 में टाइम लगना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। सिर्फ मेन लाइन जो स्टार्टर होते हैं उसमें पीछे का भी कंडीशन टेक केयर करते हैं कि पीछे का सिग्नल दिया हुआ है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका अप्रोच लॉकिंग डिसाइड करना है तो आप ये देखिए, ये तो चाहिए कि अगर ये ड्रॉप है तो अप्रोच लॉकिंग यहां पर रहेगा, अप्रोच लॉकिंग में ये ट्रैक रहेगा 0 to 80 PT, कॉमा एक और होगा अगर ये सिग्नल दिया हुआ तो ये ट्रैक भी क्लियर रहना चाहिए, यानी कि ये इस पर गाड़ी आ गई और ये सिग्नल दिया हुआ है तो भी इसका रूट अल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन अप्रोच रूट अल्टर नहीं होना, ठीक है। अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अब किसी को डाउट है क्या, पूरा पॉइंट तो कवर नहीं हुआ, मैंने कोशिश किया, मैंने जितना कोशिश जितना कर सकता था।
यहाँ इसमें जो 22 लोग हैं उसमें टेलीकम्युनिकेशन से कितने लोग हैं? केस है ना विकास, जो अभी जो IRACM है जो आप उसको पढ़ेंगे तो उसका जो 21.1.21 है पैरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो फिर से आपको बता देता हूँ ये कहाँ से रेफर करना है। कोई बोले उससे रेफर नहीं करना है कि कोई कितना बोल दिया, जस्ट गो एंड फॉलो द IRACM पैरा कौन सा 3.0, ठीक है, और इसका पैरा है 21.1.21, करेक्ट। ये देखो मुकेश, ये देखिए मैं आप जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका 122nd है, पहले 240 होता था लेकिन यू शुड गेट अपडेटेड कि अब 240 नहीं है, पहले जितने भी सेक्शन थे उसमें 240 था। अभी देखो वो मैं यहाँ पे आपको टेबल बता रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। Calling on signal root release 122nd, proving all the backlog track circuits are clear. Emergency cancellation of the calling on route without proving any backlog track can be provided on physical verification of the full route by SM. Correct? तो ये जो calling on cancellation है, दो बातें आपकी बात में दो चीज है। पहले मुझे ये बताओ calling on cancellation किस condition में करना चाहते हो, जब रूट के ट्रैक क्लियर है या फेल है। अब जैसे देखो थोड़ा देर में समझा देता हूँ, इतना तो पता ही है बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द सिग्नलिंग बैकग्राउंड। अगर देखो कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन इट इज जस्ट लाइक मेन सिग्नल कैंसिलेशन होगा, अगर रूट के सारे ट्रैक क्लियर है तो कितना टाइम लगना चाहिए। अगर ये रिसेप्शन सिग्नल है, ध्यान देना, अगर ये रिसेप्शन सिग्नल है तो जो मेन सिग्नल का अप्रोच लॉकिंग है वही टाइम लगेगा, 120 सेकंड ही लगेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन 120 सेकंड लेना है, प्रूविंग ऑल द बैकलॉग ट्रैक्स आर क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये मेन्स ये भूल गए ये लिखना कि कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन जो मेन सिग्नल का होगा, सॉरी स्टार्टर का होगा, उसके बाद क्या होगा, कोई समय नहीं लगेगा। देखो कॉलिंग ऑन सिग्नल बिलो द स्टार्टर सिग्नल आने में भी समय नहीं लगता, जाने में भी समय नहीं लगेगा, रूट रिलीज होने में भी समय नहीं लगेगा। रिसेप्शन सिग्नल के ऊपर जो लगा हुआ है उस कॉलिंग ऑन को रिलीज करने के लिए जो मेन सिग्नल में समय लगता है वही लगेगा। अब पहले 240 सेकंड लगता था, देखो 240 सेकंड किसका, इसको मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। देखो ये दिस इज द मेन सिग्नल रूट रिलीज, नॉर्मल रूट रिलीज है, ठीक है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो टाइमर ले रहा है ये एक नॉर्मल है, जो मेन सिग्नल का भी इतना ही समय लगेगा, अभी इतना ही लगेगा। अगर मैं इस कॉलिंग वन को ध्यान देना मुकेश, चल रहा है, ये मैंने टेक ऑफ किया, लेकिन ये जो टेक ऑफ कर रहा हूं आ गया क्या कॉलिंग ऑन, आने दो पहले, आ गया। अब ये जो टेक ऑफ किया था सपोज करो, हाँ ये ट्रैक को फिल कर देता हूं, कौन सा, फोर्टीन डीपीआर को फिल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट का ट्रैक तो फेल है। अब इस कैंसिलेशन को करता हूं तो दिस इज द COCYN के थ्रू, है ना मुकेश, अगर इसको मैं COCYN के थ्रू कैंसिल करूंगा, पहले सिग्नल को कैंसिल करना है और COCYN के लिए एक और शर्त है, कॉलिंग ऑन ट्रैक शुड बी राइट, right। अब मैं इसको अगर COCYN से करूंगा, देखो यहां लिखा हुआ है 120 सेकंड, तो अभी COCYN के लिए भी
120 सेकेंड ही रखा गया है। ये टाइमर कहाँ चल रहा है? ऊपर COCYM का टाइमर ऊपर चला, देखो ये यहां चला, स्टडी हो गया, ठीक है ना, 120 सेकंड का चल गया, मतलब मान लो चल गया क्योंकि यहां पे टाइमर रिड्यूस्ड है। अब मुझे सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ये रिलीज हो गया, तो कितना समय लगा? मेरे हिसाब से समय लगा, और ये समय कितना है? 120 सेकंड। यस यस, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने बताया कि ये जो टेबल है ना IRACM का 21.1.21, फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक केयर कि किसमें कितना समय लगना है, ठीक है ना। सिग्नल ओवरलैप रिलीज 120 सेकंड, ठीक है ना, फॉर बिगर यार्ड 60 सेकंड, बट विद द अप्रूवल ऑफ PCST, कॉलिंग ऑन सिग्नल आने में 60 सेकंड लगना चाहिए, कॉलिंग ऑन ट्रैक इज ऑक्यूपाइड, ये कंडीशन है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइमर दिए हुए हैं, देखो होल्डिंग HR रिले इनर्जाइज कितना लेना है, 3 सेकंड तक, HR रिले डी इनर्जाइजेशन जो स्टार्टर जो होते हैं उसका कितना के बाद HR ड्रॉप होना चाहिए, 5 सेकंड के बाद। तो ये सारे टाइमर दिए हुए हैं किसमें, IRACM पैरा 21 वर्जन 3 21.1.21, करेक्ट। चलो अब दूसरा डाउट बताओ। क्लियर सर, ठीक है, क्लियर, ओके सर, क्लियर, ओके।